नमस्कार, आकाशवाणी पोर्टल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ किया है। सांसद विष्णुपद रे ने छोटा नागपुरी आदिवासी वर्ग को दीप समूह की अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किए जाने की मांग की है। पल्स पोलियो अभियान के पहले चरण के तहत कल दीप समूह में 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत दीप समूह के स्कूलों में जागरूकता अभियान जारी है और आपूर्ति विभाग की ओर से अंत्योदय अन्न योजना कार्ड दिए जाने के लिए लाभार्थियों की पहचान का कार्य शुरू किया जा रहा है। समाचारों के संक में श्रीनाथ वशिष के साथ मैं राकेश चंद्रलाल। देश में लड़कों के मुकाबले लड़कियों के लिंग अनुपात में गिरावट को देखते हुए सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि 1991 में 1000 लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 945 थी, जो वर्ष 2001 में घटकर 927 और 2011 में 918 रह गई। लड़कियों की संख्या में आई कमी का मुख्य कारण गर्भ में शिशु के लिंग की पहचान कर भ्रूण हत्या कराना है। समाज में लड़कियों के प्रति भेदभाव के कारण ये समस्या बढ़ती गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को देश में एक साथ चुने हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है। इस कार्य में स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय सहयोग कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लिंग की पहचान कर भ्रूण हत्या की प्रवृत्ति को रोकना और बालिका शिशु की सुरक्षा करना है। इसके अलावा लड़कियों की शिक्षा सुनिश्चित करना भी इस योजना में शामिल है। योजना का क्रियान्वयन संबंधित जिलों में समन्वित ढंग से किया जाएगा। जिला उपायुक्त और जिला अधिकारी की देखरेख में योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। इस योजना के तहत स्कूलों, पंचायतों, शहरी बस्तियों, सामुदायिक स्वयंसेवकों और उत्साही कार्यकर्ताओं को वर्ष के अंत में पुरस्कृत भी किया जाएगा। इस बीच मध्यतर अंडमान में डिग्लीपुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कल बेटी बचाओ अभियान के तहत रैली का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों की ये रैली नगर के विभिन्न भागों से होती हुई विद्यालय परिसर में सम्पन्न हुई। बालिका शिशु की सुरक्षा के बारे में विद्यार्थियों ने नारे लगाए। भ्रूण हत्या रोकने के बारे में लिखित स्लोगन के साथ विद्यार्थी रैली में शामिल हुए। बेटी बचाओ अभियान भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है, जिसे गैर सरकारी संगठन पूरा सहयोग दे रहे हैं। सांसद विष्णुपद रे ने दीप समूह में रह रहे छोटा नागपुरी आदिवासी वर्ग को दीप समूह की अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किए जाने की मांग की है। आदिवासी मामलों के मंत्री जवाहर ओराम को लिखे पत्र में उन्होंने अनुरोध किया है कि इस मामले में वे हस्तक्षेप करते हुए छोटा नागपुरी आदिवासी वर्ग के ओरांग, मुंडा और खड़िया समुदाय को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल कराने में मदद करें। पूरे देश के साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान का पहला चरण कल आयोजित होने जा रहा है। इसके अंतर्गत 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो रोधी दवा की खुराक पिलाई जाएगी। उप निदेशक स्वास्थ्य सेवा डॉक्टर अभिजीत रॉय ने कल मीडिया कर्मियों को बताया कि इसके लिए पूरे द्वीप समूह में पोलियो बूथ स्थापित होंगे। इसके अलावा सचल वाहनों के माध्यम से भी दूर दराज के ग्रामीण इलाकों तक पोलियो की खुराक पहुंचाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की टीम लोगों के घर घर जाकर भी बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाएगी, ताकि कोई भी बच्चा वंचित न रह जाए। स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर एस के पॉल ने बताया कि देश में पिछले कई वर्षों से पोलियो संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। इसके बावजूद सरकार ने सजगता के साथ दवा पिलाने का कार्यक्रम जारी रखा है, ताकि पोलियो होने की संभावना न हो। उन्होंने कहा कि बढ़ती जनसंख्या के साथ पोलियो संक्रमण की संभावना भी बढ़ जाती है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पोर्टल से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है: जनधन योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, AAY कार्ड के लाभार्थी और बिजली कटौती।